4,25,000 में आपको ये गाड़ी है, उसमें भी 25,000 का डिस्काउंट करके मैं अभी आपको दे रहा हूँ। ये ऑफर सिर्फ रक्षाबंधन। अरे भाई, मतलब 4,00,000 रुपए, 4,00,000 रुपए में ऑटोमेटिक गाड़ी मिल रही है, चर्चा होगी। यस, जरूर होगी। और मेक श्योर करना, जैसा तहलका ऑटोमोबाइल में सुरेश भाई ने मचाया है, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के फील्ड में भी सुरेश भाई वैसे ही लोगों को गाइड करेगा, उनका मेहनत का पैसा डूबने नहीं देगा, इसकी पूरी अश्योरिटी है। वाह भाई, पैसा डूबने से पहले सुरेश भाई उनका पैसा रिटर्न करने की पूरी अश्योरिटी देगा। एकदम ना फायदे के डील रहने वाले, मतलब जो चाहते ना कि भाई 7 सीटर कुछ कार ले, बट एकदम लेटेस्ट ले, तो 2020 के लेके तो कंडीशन देखो भाई, एकदम। महिंद्रा तो आज भी डीजल दे रहा है, हुंडई आज भी डीजल दे रहा है, टोयोटा आज भी डीजल इंजन दे रहा है, होंडा आज भी डीजल इंजन दे रहा है, फॉक्सवैगन आज भी डीजल इंजन दे रहा है, तो ये मिथ कहाँ कनेक्ट हो रहा है? मारुति का खुलासा हो गया भाई। नहीं, जो सच है सच सुनो, बाकी आपको झूठ में रहना और उसके बाद भी शक करना, तो मैंने कहा ना। हेलो नमस्ते सभी को, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़ रहेंगे। मेरा नाम है राहुल, स्वागत करते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो में। पिछले वीडियो में भी हमने जीएसए मोटर की एकदम धमाकेदार कलेक्शन दिखाई दी, और डाउन पेमेंट से लेके फैसिलिटीज जो ऐसे मिल रहे हैं जो कि आपको अदर डीलरशिप में नहीं मिलते। यहाँ पे आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलती है, 1 साल की इंजन गियरबॉक्स की वारंटी, तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री आपको हर गाड़ी पे फ्री है यहाँ पे। तो चलते, ज्यादा वेस्ट नहीं करते टाइम, फटाफट से बुलाते थी वन एंड ओनली प्राउड ओनर ऑफ जीएसए मोटर, आप ओनली सुरेश भाई। कहाँ थे इतने दिन से महाराज जी? एक्चुअली राहुल भाई कैसे हो, पहले तो मैं कहूँगा कि आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ। और दूसरी चीज़, जो आपके क्वेश्चन थे उसके लिए पहले तो मैं जनता से, अपने व्यूवर से सॉरी बोलना चाहूँगा, और उनको थैंक्स भी बोलना चाहूँगा कि पहले चीज़ तो ये है कि उनकी ब्लेस्ड ने जो मुझे पहुँचाया है। अब तक तो जैसे कि जानते हो कि जीएसएम मोटर अब तक सिर्फ गाड़ियों का सपना पूरा कर रहा था। अच्छा। अब जीएसएम मोटर अपने कारोबार कंस्ट्रक्शन लाइन में भी पसार चुका है। अरे वाह। तो नाउ द जीएसएम मोटर बिकम अ जीएसएम मोटर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। मतलब भाई, कार की सपना बोलते ना, एक ड्रीम रहता है सबका, एक घर और एक गाड़ी, तो भाई लाइफ में जरूरी है, तो गाड़ी की ड्रीम तो आपके पूरी कर दी है। आप जो ड्रीम पूरा करना रह गया था घर का, वो भी आपको अफोर्डेबल रेट में, घर भी का भी ड्रीम, तो उसके बारे में थोड़ा बिजनेस के बारे में। एग्जैक्टली, जैसे कि सब लोग जानते हो कि लोगों का सबसे पहला सपना होता है कि अपना मुंबई में खुद का एक घर होना चाहिए। तो जीएसएम मोटर उसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, और उस पे काम करते करते जीएसएम मोटर की 4 साइट चालू भी हो चुकी है। परफेक्ट। जो कि उल्वे नवी मुंबई में है। हाँ। और पनवेल नवी मुंबई में है। अच्छा। दोनों 7-7 माले की टावर खड़ी हो रही है। हाँ। और बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस में हम उनको घर दे रहे हैं, 24 लाख से स्टार्ट है। अच्छा। और 40-45 लाख तक वो घर मिल रहा है। तो मतलब जिनको भी अगर इन्वेस्ट करना है, जो भी चाहते हैं प्रॉपर्टी बनाने, घर अपना, ड्रीम घर अपना खरीदना, तो आप सुरेश भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो कांटेक्ट नंबर यहाँ ही अलग से चलता रहेगा, कार का जो कांटेक्ट नंबर, वो हम आपको आगे बताएंगे। बाकी अगर आपको चाहिए कोई भी, अगर आप घर फ्लैट वगैरह आप खरीदना चाहते हो अच्छे से रेट में, 24 लाख रुपए से शुरू, मतलब भाई बहुत ही वाजिब रेट है, मतलब यहाँ पे नवी मुंबई के लिए। मैं थोड़ा सा उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल दे दूं, जिस किसी को भी अभी अगर इन्वेस्ट करेंगे तो मार्क करो मेरी ये बात को, क्योंकि मैं, जैसा हम भी आप जानते हो कि ऑटोमोबाइल में मैंने आपको हमेशा गाइड किया है। हाँ। तो कोशिश मेरी यह है कि प्रॉपर्टी के फील्ड में भी मैं आपको मैक्सिमम गाइडेंस प्रोवाइड करूं, और आपका मेहनत का पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो, उसकी पूरी कोशिश है। क्या बात। आज अगर आप उस पैसे पे इन्वेस्ट करते हो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, तो जैसा कि आप जानते हैं नवी मुंबई में सबसे वास्ट डेवलपमेंट चालू है। जैसे मुंबई से अगर आपको पनवेल पहुंचना है तो 1.5 घंटे की ट्रैवलिंग होती है। नवा शिवा शिवरी लिंक रोड ओपन हो रहा है कुछ दिसंबर मंथ तक। यस। और अगले साल जो एयरपोर्ट का काम है वो ओपन हो रहा है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट और कार्गो एयरपोर्ट के नाम से। तो ये सारी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हो जाएंगे, तो हो सकता है कि यही जो मैं 24 लाख में दे रहा हूँ, सेम फ्लैट आपको 45 लाख 50 लाख क्रॉस हो चुके होंगे। तो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट फॉर योर ड्रीम, क्योंकि बाद में ये जब मुंबई बन जाएगा, तो जैसा आप जानते हो कि मुंबई में घर लेना नेक्स्ट टू अभी इम्पॉसिबल लेवल पे चल रहा है, नवी मुंबई का भी वो हाल हो जाएगा। तो बेटर है कि दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट फॉर योर ड्रीम। यस। और मेरा रिक्वेस्ट है, जो कोई भी इंटरेस्टेड है, ये जो स्क्रीन पे जो अभी नंबर चल रहे हैं, इसी नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। okay. और प्रोजेक्ट के कैटलॉग वगैरह सब आपको मिल जाएंगे, और साइट विजिट भी सुरेश भाई खुद पर्सनली आपको ह्यूमन टच के साथ करा देंगे। क्या बात है भाई, तो मतलब जहाँ पे ये जो ट्रस्ट वाला फील देते हैं, वहाँ पे भी आपको वैसे ट्रस्टेड आपको डील देंगे और फील देंगे। तो अगर आपको चाहिए, बोलते ना गाड़ी अगर आपने ले लिया, तो भाई यहाँ पे सपने और भी है जो आपको पूरे करने, वो आ सकते हो। जी, थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ। एक्चुअली जब मैं ये फील्ड में उतरा, तो मुझे पता चला कि इसमें बिल्डर्स लोग किस तरह से कस्टमर्स को गुमराह करके बेवकूफ बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है कन्वेंस डीड, जो आपने शायद मेरे मुंह से पहली बार नाम सुना होगा, या तो आप सुना होगा। तो कन्वेंस डीड का जो मीनिंग होता है कि मुंबई में आप आसमान खरीदते हो, जमीन नहीं। तो कन्वेंस डीड का मतलब होता है कि आसमान के साथ वो जमीन भी आपका होगा। ये सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे जब आप फेस टू फेस हमसे आके
मुलाकात करेंगे। सुरेश भाई से बैठिए, वन टू वन टेबल पे चाय पीते पीते आपकी प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल चाय पे चर्चा होगी। यस जरूर होगी। और मेक श्योर करना, जैसा तहलका ऑटोमोबाइल में सुरेश भाई ने मचाया है, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के फील्ड में भी सुरेश भाई वैसे ही लोगों को गाइड करेगा, उनका मेहनत का पैसा डूबने नहीं देगा, इसकी पूरी अश्योरिटी है। वाह भाई, पैसा डूबने से पहले सुरेश भाई उनका पैसा रिटर्न करने की पूरी अश्योरिटी दे देगा। क्या बात है, आपका प्रोजेक्ट सही जगह पे इन्वेस्ट होगा। हाँ। और वो भी अप्रिसिएशन के साथ होगा, बस जितना प्यार आपने ऑटोमोबाइल में दिया है सेम प्यार मैं कोशिश करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि सेम प्यार और दुआ बनाए रखना, ताकि मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में भी आपके सपने बहुत इजीली पूरा कर सकूं। yes. बाकी आप कमेंट सेक्शन में ब्लेसिंग्स भी दे सकते हो भाई सुरेश भाई को, ताकि और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाए और जो लोगों के ड्रीम है वो अच्छे अच्छे पूरे करे। तो चलते अब आपकी जो ड्रीम है कार का, चलो दिखाते यहाँ पे। और फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे रिपीट अभी वीडियो में थोड़ा कम होगा क्योंकि क्वालिटी और जो गाड़ी है मैं आपको फटाफट से दिखाऊंगा। एक साल की वारंटी गारंटी यूज्ड कार पे आपको फ्री मिलती है, और अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस करते हो तो लाइफ टाइम फ्री। Exactly. 7 days money back भी है, जो कोई नहीं देता है। वो भी फ्री है भैया, 7 दिन के अंदर आपको गाड़ी पसंद नहीं आती है, मतलब बोलते हैं इंजन एंड गियर बॉक्स में अगर कुछ खराबी निकलता है तो अगर आप आउटराइट परचेस हो तो वो रिटर्न हो जाएगा। Exactly. तो चलो जीएसएम मोटर में आ चुके दुनिया के लिए सेकंड, अपने लिए फर्स्ट कौन सी, रेनॉल्ट या फिर i20? इससे चालू करते हैं क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा डिमांड में गाड़ी चल रही है रेनॉल्ट की क्विड। पहली बात तो बता दूं कि ऊंचा मॉडल, कम चली हुई और कम प्राइस में यही गाड़ी मिल जाती है। और जो स्पोर्टी लुक है, वंपायर लुक है, जिनको पार्किंग की इशू है मुंबई में, जैसा कि आप जानते हो गाड़ी तो हर कोई खरीदना चाहता है, खरीद भी लेता है। हाँ। पर पार्किंग के लिए हमेशा बाहर लेके निकलते भाई सोचते रहते कि किधर पार्क करें, हमेशा मशक्कत करनी पड़ती है। हाँ। तो उसके लिए सबसे बेस्ट बढ़िया डील है, पहली बात तो बता दूं 2018 का मॉडल है। हाँ। प्योर पेट्रोल 800 cc इंजन में है और 28,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। 18 का ऊंचा मॉडल, 28,000 चली हुई, एकदम बढ़िया। और एवरेज की बात करूं मैं इस गाड़ी को, तो कस्टमर का फीडबैक था कि 22 का एवरेज मिल रहा था जिनकी ये गाड़ी थी, पर मैं आपको बोलता हूं कि 22 ना पकड़ो, आप 17-18 पकड़ लो तो भी बुरा डील नहीं है, सबसे बेस्ट डील है। और पार्किंग का तो टेंशन ही खत्म। प्राइसिंग 3,90,000 की इसकी प्राइसिंग है। और जैसा कि ये बार रक्षाबंधन स्पेशल चालू है जीएसएम मोटर में, तो रक्षाबंधन स्पेशल में जीएसएम मोटर इस पे 15,000 का बेनिफिट आपको डिस्काउंट दे रहा है। 15,000 का डिस्काउंट के साथ साथ आपको पहली जो सर्विस है, मतलब डिलीवरी के टाइम पे जो आपको सर्विस मिलेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। जो ऑयल पानी वगैरह जो चेंज होता है सारे करके देंगे आप? नॉर्मल ऑयल पानी नहीं है। अच्छा। इसमें पूरा प्रीमियम चेंजेस है, जैसे कि पैकेज होता है हमेशा, इसमें ऑयल, ऑयल फिल्टर, पोलन फिल्टर, एसी फिल्टर, ये सारे चेंजेस के साथ आएंगे आपको एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। प्लस टेफ्लॉन कोटिंग भी आपको एट द टाइम ऑफ डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। गाड़ी ऐसी चमक रही और चमका के देंगे। यस। उसके साथ साथ एक बहने के बहना के लिए अगर आप कार गिफ्ट करना चाहते हो, या बहन भाई के लिए करना चाहता है, तो उसके लिए हमारी तरफ से एक सेलिब्रेशन पैक है, ताकि मुंह मीठा करते हुए जाइए। भाई तो गाड़ी ले रहे हैं, मतलब एक ड्रीम पूरी कर रहे हैं, तो वो तो बहुत ज्यादा जरूरी। तो ये सब बेनिफिट आपको मिलने वाला है जीएसएम मोटर में। फिर ये वाली गाड़ी, ये गाड़ी 2014 की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। हाँ। और 39,000 किलोमीटर को चली है, 39 किलोमीटर बोलने में गड़बड़ियां हो सकती है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। पर गाड़ी की जो कंडीशन है वो अव्वल दर्जे पे है, एज गुड एज जो 23 की गाड़ी आप चलाओगे, सेम फील आपको ये 2014 की गाड़ी पे मिलने वाला है। ऊपर से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिडान कार में, ह्युंडई की एक्सेंट। और बेस्ट पार्ट है पेट्रोल गाड़ी है। और एवरेज जो कस्टमर फीडबैक से मेरे पास आई है वो 15, 16, 17, 18, और जिनके पास ये गाड़ी थी उन्होंने 18 का मुझे बताया हुआ। अच्छी, मतलब ऑटोमेटिक में इतनी माइलेज निकल जाए तो फिर सोने पे सुहागा वाली। यस यस, वर्स्ट टू वर्स्ट अगर मुंबई ट्रैफिक में आप फंसे हुए तो 12 का एवरेज तो किधर नहीं गया, वो तो मिल ही जाएगा। प्राइसिंग की बात करूं तो 4,75,000 की प्राइसिंग है, रक्षाबंधन स्पेशल में 25,000 का डिस्काउंट करके 4,50,000 रुपए में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इसमें भी एक चीज है, अगर आपका कैश पेमेंट है, अगर आपका कैश पेमेंट है तो उसमें भी जीएसएम मोटर आपके लिए एक अलग से रिस्पेक्ट कर देगा प्राइसिंग में। okay. पर दैट शुड बी आउटराइट परचेस, नॉट अ लोन। ओके, ठीक है। उसके बाद ये वाली अगली गाड़ी पे चलते हैं, ये भी एक्सेंट है। वो ओल्ड शेप है, ये न्यू शेप है। न्यू शेप को पहचाना जाता है उसके बंपर के फॉग लैंप से। 2018 का मॉडल है, सिंगल ओनर और 36,000 किलोमीटर चली हुई प्योर पेट्रोल गाड़ी है। अच्छा। और ये भी बेहतरीन कंडीशन में, सबसे बढ़िया कंडीशन में ये गाड़ी है। इसकी मैं प्राइसिंग की बात करूं तो पहले इसकी प्राइसिंग 75,000 इसकी प्राइसिंग थी। पर जैसा कि रक्षाबंधन स्पेशल चालू है तो अब इसकी प्राइसिंग थोड़ा मैंने डाउन कर दिया, ये भी 31st तक। अच्छा। रक्षाबंधन के रात के 12 बजे ये सारे ऑफर खत्म हो जाएंगे।
मतलब ये गाड़ी की जो अभी प्राइसिंग है 5.5 लाख रुपया मैंने रख के, इसमें भी 25,000 का डिस्काउंट करके मैंने आपको ये गाड़ी दे रहा हूँ 5,25,000। लो भैया तो 5.25 लाख रुपए में लेके जाओ न्यू सेफ वाली अपनी हुंडई की एक्सेंट। उसके बाद यहाँ पे ना एक लाइन से देखो, एक होंडा सिटी, दो होंडा सिटी, तीन होंडा सिटी, तीनों की फटाफट से डिटेल बताते सुरेश जी। ये 2013 का लिमिटेड एडिशन मॉडल है, इसमें मैकविल वगैरह सब मिल जाता है, एयरबैग वगैरह सब मिल जाता है। 13 का सिंगल ओनर प्योर पेट्रोल ये गाड़ी है। गाड़ी 80,000 के रेंज में चली है। जैसा कि जानते हो होंडा का स्लोगन ये QDR, होंडा का इंजन अब, यस होंडा का इंजन अब 25 लाख चलाओ 50 लाख चलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी आपका मेंटेन होना चाहिए। तब तक बॉडी साथ नहीं देती अलग बात है, क्योंकि इंडिया का जो एनवायरमेंट है वो थोड़ा सा सॉल्टी वेदर है, खासकर मुंबई का, तो उसमें बॉडी साथ नहीं देती है, पर इंजन इसका लॉन्ग लास्टिंग है। प्राइसिंग की बात करूं तो 4.5 लाख की प्राइसिंग है, 25,000 डिस्काउंट करके 4.25 में आएगी आपको ये गाड़ी। तो 4.25 लाख रुपए में ये मिल जाएगा, बाकी डाउन पेमेंट वगैरह भी इजी हो जाएगा, 50,000, 25,000, 75,000, 1-1 लाख रुपए जैसा सिविल वैसा आपका डाउन पेमेंट। न्यू से वाली होंडा सिटी ये 2014 का सिंगल ओनर प्योर पेट्रोल है और ये भी 40,000 के रेंज में चली हुई गाड़ी है। बेस्ट कंडीशन SV MT ये मॉडल है और एकदम देख रहे हो जैसे कि लेदर अपॉस्ट्री सब चीज के साथ है। ये GSM मोटर है, यहाँ पे जो भी मिलेगा नीट एंड क्लीन मिलेगा, सोने पे सुहागा वाली चीज मिलेगा, टेंशन फ्री चीज मिलेगा। एक ही चीज नहीं मिलेगा, आपके शक का इलाज यहाँ नहीं मिलेगा, बाकी सब चीज मिलता है। इसकी जो मैं प्राइसिंग जो पहले की थी वो 5,75,000 इसकी प्राइसिंग थी, पर रक्षाबंधन स्पेशल में इसकी प्राइसिंग वापस से 5.5 लाख रखी गई है। उसमें भी 25,000 का डिस्काउंट करके GSM मोटर में 5,25,000 में आपको ये गाड़ी मिल रही है, सिर्फ रक्षाबंधन के रात को 12 बजे तक का ही ऑफर है, उसके बाद तो 5.25 लाख रुपए में आपको यहाँ पे होंडा सिटी मिल जाएगी, जो कि न्यू सेफ में, और लेके कहीं भी चलोगे ना भाई, इसको 10 साल और भी आगे चलाओगे ना तो भी ऐसा नहीं लगेगा कि बोलते ना आउटडेटेड गाड़ी चला रही एकदम भाई, पूरी मतलब फेसलिफ्ट है, साथ में फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है पूरी। एक्जैक्टली ये वाली, अरे क्या चमक है भाई कलर। अगली गाड़ी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 2015 की है, होंडा सिटी है और ये मॉडल भी SV MT है। जैसे कि आप इंटीरियर आप देख ही रहे हो, एकदम खूबसूरत, बेस्ट है, सेम चीज रिपीट नहीं करूंगा। प्राइसिंग की बात करूं तो इसकी प्राइसिंग 6 लाख है, पर रक्षाबंधन स्पेशल डिस्काउंट में 5,75 रख के मैं इसमें 25,000 का डिस्काउंट कर रहा हूं, मतलब 5.5 लाख में आपको गाड़ी आ जाएगी। पर मेक श्योर करना, ये रक्षाबंधन के रात को 12 बजे ये ऑफर खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कितना भी कुछ कर लो, तो उसके पहले आ जाओ और लेके चले जाओ। और कैश में अगर डील है आपका, आउटलेट डील है, तो उसमें भी एक छोटा सा रिस्पेक्ट आपके लिए रख लिया जाएगा। सैलरी बता देते फिर, ऑटोमेटिक आई थिंक मेरे को इंटीरियर निकाला था, ऑटोमेटिक थी ये गाड़ी। यस ये ऑटोमेटिक है, ये 2015 का मॉडल है, सिंगल ओनर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और गाड़ी चली है सिर्फ 27,000 किलोमीटर। ओके और सही बात बताओ मालिक, ये गाड़ी ये पायलट की हाथ की गाड़ी चली है। अच्छा, ये अपना डोमेस्टिक में वो पायलट है वो बंदा, 27,000 किलोमीटर चली है। जरा सोचो, आप लोग डॉक्टर की गाड़ी का डिमांड करते थे, वकील की गाड़ी की डिमांड करते थे, पारसी की गाड़ी की डिमांड करते थे, पर एक चीज नगीना जो था वो लोगों की नजर से ओझल था कि पायलट लोगों की जो गाड़ी होती है ना राहुल भाई, वो बहुत मेंटेन होती है। एक तो पहली बात तो वो जमीन पे कम रहते हैं, हवा में ज्यादातर हवा में रहते हैं, पर जब भी जमीन पे रहते हैं एक प्लेन को जैसा उन्होंने मेंटेन रखते हैं खूबसूरती के साथ, उसी तरह उन्होंने इस गाड़ी को भी उतनी मेंटेन करके रखी हुई है। प्राइसिंग की बात करूं तो इस गाड़ी की प्राइसिंग पहले 4.5 लाख रुपया थी। अच्छा। पर 25,000 रुपये में ऑलरेडी कम कर रहा हूं, मतलब 4,25,000 में आपको ये गाड़ी है, उसमें भी 25,000 का डिस्काउंट करके मैं अभी आपको दे रहा हूँ ये ऑफर सिर्फ रक्षाबंधन के लिए। अरे भाई मतलब 4 लाख रुपए में ऑटोमेटिक गाड़ी मिल रही है, वो भी 26,000 किलोमीटर चली हुई, मतलब नेक्स्ट टू न्यू कंडीशन वाली कार है। 15 की गाड़ी, यस 15 की गाड़ी ऑटोमेटिक। यहीं से आप दिखाओ क्योंकि थोड़ा वाटर है, वहाँ पे एक वैगनर खड़ी है व्हाइट कलर में, क्या डिटेल है उसकी? वो 2011 का मॉडल है, सिंगल ओनर है, प्योर पेट्रोल है और 50,000 किलोमीटर ही गाड़ी चली हुई है, बेस्ट कंडीशन में गाड़ी, अलग्स मॉडल, चारों टायर नए हैं, पूरी गाड़ी ओरिजिनल पेंट में, लेदर अपॉस्ट्री वगैरह के साथ है। प्राइसिंग की बात करूं तो इसकी प्राइसिंग 2.5 लाख रुपए इसकी प्राइसिंग थी, पर रक्षाबंधन स्पेशल में 25,000 रुपया सीधा सीधा डिस्काउंट है, 2,25,000 में आपको ये गाड़ी मिलेगी जो कि सिंगल ओनर और 50,000 चली। तो 2.25 लाख रुपए में वो मिल जाएगी जो कि वैगनर व्हाइट कलर की है। उसके बाद यहाँ पे मेरे को डस्टर भी अपनी है ना? हाँ, ये डस्टर को तो प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, ये 2015 का दिसंबर महीने की गाड़ी है, वैसी खड़ी है जहाँ पे ऐसा इसको ना रिक्वायरमेंट है, वाटर हो गया, पहाड़ हो गया, वैसी एकदम सही पकड़े, क्या ऑब्जर्वेशन है राहुल भाई आपका, सची आप बहुत दूर तक की सोच लेते हैं। देना फिर जरूर डिस्काउंट मिलेगा मालिक। एक्चुअली ये गाड़ी है ना 2015 दिसंबर मंथ की है। अच्छा। मतलब आप 16 कंसिडर कर सकते हो और गाड़ी सिर्फ 34,000 किलोमीटर चली है, बहुत कम चली है मतलब। एकदम कम और डीजल गाड़ी है ऊपर से और 85 PS में ये गाड़ी है, एवरेज धमाल मिलती है गाड़ी को
18 से 22 में बता रहा हूँ, पर कस्टमर का जो फीडबैक था ना मालिक, वो 20 का फीडबैक उन्होंने दिया है कस्टमर ने, पर मैं फिर भी कम बता रहा हूँ 18। और अगर कम भी बता रहा हूँ तो मैं टिप भी दे रहा हूँ कि 2000 आरपीएम अगर आप मेंटेन करके गाड़ी चलाते हो और गियर शिफ्टिंग आप करते हो, टॉप गियर तक जाते हो और 2000 आरपीएम अगर आपने मेंटेन रखते हो, तो मैं इतना मार्क श्योर करता हूँ, बॉन्ड पेपर पे भी लिख के दूंगा कि करंट सिचुएशन में जो आपको अभी एवरेज मिल रहा है उससे बेटर एवरेज ही मिलेगा आपको, इसकी 100% अश्योरिटी लिख लो भाई और दिमाग में भी सेट कर लो कि 2000 आरपीएम और जो उसका लास्ट गियर अपना उस पे चलाओ आराम से माइलेज आपको देगा। Exactly. तो डस्टर देख रहे हो एकदम चमकती हुई कंडीशन में अकेली खड़ी है, शेर गाड़ी कितने में दे रहे हो फिर? प्राइसिंग एक्चुअली उसका रक्षाबंधन के लिए मैंने स्पेशल रख दिया है, 6 लाख रुपए की उसकी प्राइसिंग है, पर 25,000 ही डिस्काउंट था उसपे, पर रक्षाबंधन के लिए 575 का रेट करके मैंने उसपे 25,000 डिस्काउंट किया, 5.5 लाख में आपको गाड़ी। तो 5.5 लाख रुपए में वो ये लेके जा सकते हैं। टाटा बताते हैं, ये टाटा की गाड़ी को तो बोलना ही नहीं है क्योंकि सुरेश भाई और जीएसएम मोटर की पूरी कोशिश होती है कि अपनी इंडियन प्रोडक्ट को बढ़ावा दे। ये 2020 का मॉडल है, 20,000 किलोमीटर ही चली है और प्योर पेट्रोल है। जैसा कि आप जानते हो क्रैश टेस्ट में इसको 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, और ये मैं नहीं, मेरे प्रोफाइल में भी देखोगे ना तो मैंने ये गाड़ी की जो रोड टेस्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस है क्रैश की, वो उसका मैंने कितने सारे वीडियो शेयर किए, रील शेयर किए मैंने मेरे प्रोफाइल पे जाके। आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे भी जाके वो चीज देख सकते हो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक से डबल हो जाए। प्राइसिंग की बात करूँ तो जैसे आप सब लोग जानते हो कि इंडियन प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए इसकी प्राइसिंग है 6,25,000 रुपया, सीधा 50,000, सीधा 50,000 रुपया भैया, तो हो गई 5,75,000 रुपए में। न्यू शेप वाले आप टाटा टियागो लेके जा सकते हो। आप शोरूम में भी जाओगे तो यही शेप आप लेके आओगे, अल्ट्रोज वाली शेप आती है वही शेप में आपको यहाँ पे मिल रही है। उसके बाद आते हैं फिर हुंडई की क्रेटा की छोटी भाई अपनी वेन्यू, ये 2019 का मॉडल है, अच्छा सिंगल ओनर है, सनरूफ प्योर पेट्रोल है, सनरूफ है और पेट्रोल के साथ टर्बो इंजन भी इसके साथ ही है, 1 लीटर टर्बो इंजन है। ये गाड़ी मैं खुद सिटी लेके गया था, मैं 3,000 के पेट्रोल पे मैं सिटी से रिटर्न आ चुका हूँ, बहुत माइलेज है, अंदाजा लगा सकते हो घड़ी आपका मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्राइसिंग की बात करूँ तो 10 लाख की प्राइसिंग है, सीधा सीधा 50,000 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, 9.5 लाख में आप गाड़ी लेके जा सकते हो, जो कि 19 का मॉडल, मतलब जो लेटेस्ट गाड़ी चाहिए कुछ अच्छी यूनिक गाड़ी, तो आप इस गाड़ी को भी कंसिडर कर सकते हो जो कि लेटेस्ट है, सनरूफ है, मतलब जो भी फ्यूचरिस्टिक अपनी जो फीचर आती है उसके साथ भाई ये लोडेड रहने वाली, चली भी 34,000 किलोमीटर, मतलब न्यू गाड़ी वाला फील है पूरा। ये फिर 7 सीटर, ये गाड़ी की मैं थोड़ा सा नॉलेज के हिसाब से मैं बात कर दूं, लोग अर्टिगा के पीछे भाग रहे हैं और अर्टिगा अपने गुरूर में भाग रहा है, वो उनके पीछे भाग रही है, नहीं अर्टिगा अपने गुरूर में भाग रहा है, गुरूर में भाग कि जिसको आप जितनी वैल्यू दोगे राहुल भाई वो उतना ही अपना डिमांड बढ़ा देगा। यस, आज 15 की अर्टिगा आप खरीदने जाओगे तो 7 लाख सा ऑफर है, कम ज्यादा करके बहुत निचोड़े तो 6.5 तक, 6.5 तक। ये 20 का मॉडल है, 2020 का मॉडल है और 32-33,000 किलोमीटर चला हुआ प्योर पेट्रोल गाड़ी है, जो कि टॉप एंड मॉडल बटन स्टार्ट के साथ है, रेनॉल्ट की टेक्नोलॉजी, सबसे बेस्ट मजबूती में भी और हर चीज में भी और स्पेस में भी और टेक्नोलॉजी में भी सबसे बेस्ट है। 20 का मॉडल है मालिक, अच्छा मैं कितना प्राइस दे रहा हूँ पता है? कितना? 8, 8.5। इसकी प्राइसिंग इससे पहले ऑफर से पहले जो थी वो 7.5 लाख रुपए थी, अच्छा, पर अभी जीएसएम मोटर रक्षाबंधन स्पेशल के लिए 7 लाख की प्राइसिंग दे रहा है। अब उसमें डिस्काउंट, उसमें भी 25,000 का डिस्काउंट है, 675 में, 675 में दे रहा भाई, 675 में 7 सीटर, वो भी ईयर है 2020 की, 20 की और किलोमीटर भी चली 20,000, आप 34,000 भाई एकदम ना फायदे के डील रहने वाले, मतलब जो चाहते ना कि भाई 7 सीटर कुछ कार ले बट एकदम लेटेस्ट ले, तो 2020 की लेके जो कंडीशन देखो भाई एकदम चमकदार कंडीशन, और कहीं भी लेके जाके लोग पूछेंगे भाई कोई गाड़ी लेके आए भाई। और जो बोलते हैं ना मारुति की मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, ज्यादा दूर मत जाना, गूगल को पूछ लेना, लोग झूठ बोल देते हैं। हेडलाइट है ना सियाज का हेडलाइट, जो प्रोजेक्टर हेडलाइट है उसका कॉस्ट निकाल लेना कंपेयर टू अदर कार, 25,000-22,000 के नीचे उसका एक हेडलाइट है, समझ रहे हो? और जो पहले की जो सियाज थी जिसमें हैलोजन हेडलाइट था वो आपको 2500-5,000 के अंदर उसका कॉस्ट है। तो जिस गाड़ी में जितना फीचर्स लोगे उतना कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बढ़ेगा, पर ये गाड़ी में आप देखो यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलाइट है, अर्टिगा का जो प्रोजेक्टर हेडलाइट है ना मालिक, 25,000 का हेडलाइट है उसका, और ये कितनी का थी? इसकी हेडलाइट उससे भी कम है, 15,000 का। बोलो, अब जब आप लोग बोलते हो कि मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, अधूरे नॉलेज में बोलते हो, सोसाइटी की सुन के बोलते हो और दोस्तों की सुन के बोलते हो, मत पढ़ो, एक्सपर्ट की सुनो, क्योंकि उसने अपना करियर गवाया है उस एक्सपर्टीज के लेने के लिए। अभी टोयोटा पे बात करते हैं, रिलायबिलिटी में नंबर वन। यस, जैसा टोयोटा आता है तो वही स्लोगन याद आता है, QDR। एक तो टोयोटा है, ऊपर से सबसे बेस्ट बात बताओ राहुल भाई, गणित अपना इंडियन लोगों की गणित बहुत स्ट्रांग है। ये 2021 का मॉडल है, अच्छा
35-36 हज़ार किलोमीटर चली, टॉप मॉडल प्रीमियम मॉडल है। ये नई गाड़ी शोरूम में है ना 16 लाख का है। 16 लाख रुपए। हाँ। इसमें सनरूफ आता है? सनरूफ नहीं है इसमें। okay. इसके मॉडल में सनरूफ अभी के मॉडल में अपडेट किया है लोगों ने। हाँ। उसका रेट और 17 लाख, 17.5 लाख, मतलब ये 16 लाख की गाड़ी है शोरूम में। ठीक है, 2 साल में एक गाड़ी का डिप्रिसिएशन आप क्या निकालोगे आप बता देना, और वही हिसाब से मुझे प्राइसिंग भी देना। ठीक है, अब मेरी भी थोड़ी सुन लेना। 21 का मॉडल, 2 साल हुए गाड़ी को, राइट, 34,000 किलोमीटर चली है, प्योर पेट्रोल, और इंटीरियर पे बंदे ने कम से कम 1.5 लाख रुपए खर्चा किया। वही मैं देख रहा था, बार बार इसके लिए जा रहा भाई, इंटीरियर इसका ना बहुत लाजवाब है, बहुत 1.5 लाख रुपए इस पे इंटीरियर पे खर्चा किया, मतलब 17.5 लाख की गाड़ी पड़ गई। अब सेम गाड़ी मैं 11 लाख बोल के मैं 50,000 डिस्काउंट दे रहा हूँ, 10.5 लाख, 10.5 लाख में आपको दे रहा हूँ, जो की 2 साल कितना पैसा आपका बचाया? 8 लाख रुपए जगह पे, 8 लाख रुपए आपका बच रहा है 2 साल में। डेप्रिसिएशन वैल्यू भी निकाल लेना, उससे भी ज्यादा मिलेगा आपको, 12-13 लाख का आपको डेप्रिसिएशन वैल्यू मिलेगा। तो मतलब फायदे की जहाँ पे डील है भाई, वहाँ पे आप डील करो, अच्छे फायदे में रहोगे, वो भी वारंटी गारंटी के साथ। शोरूम में भी लेने जाओगे तो वही मिलेगा ना, कुछ अलग थोड़ी मिलने वाला। वही ना, वही पे जगह जाता है। सेकंड हैंड का बहुत बेनिफिट है भैया, 1-2 साल चली भी अगर 5-6 लाख रुपए अगर आपके बच रहे तो भैया बचा लो, बहुत काम आने वाले फ्यूचर में, आप उसको अलग जगह पे इन्वेस्ट कर। 6 लाख आप म्यूचुअल फंड में डाल दो, FD में डाल दो, उसके रिटर्न देखो आपको क्या मिलेगा। जितने साल के लिए आपको गाड़ी का लोन चलेगा उतने साल में आपका म्यूचुअल फंड आपका डबल ट्रिपल हो जाएगा। अमित बताओ फिर, ये 2019 का मॉडल है और 29,000 किलोमीटर को चला है, शायद मैं भी हम किलोमीटर बोलने में गलती हो, मस्त है भाई, गाड़ी अच्छी दिखती है, बहुत बेस्ट है, लग्जरी सेगमेंट की, लग्जरी सेगमेंट का लुक है, और VX टॉप एंड मॉडल प्योर पेट्रोल में गाड़ी है। ओके, लेके ड्राइव करने के पोजीशन में सारे सेफ्टी फीचर्स है, एयरबैग वगैरह सब जो भी आप बोलते हो वो सारी फीचर्स है। प्राइसिंग की बात करूँ तो इसकी प्राइसिंग ये रक्षाबंधन स्पेशल से पहले जो है वो 7.5 लाख की प्राइसिंग है। अच्छा। मैं जो प्राइसिंग बता रहा हूँ रक्षाबंधन के बाद ये सारे वापस से ओरिजिनल प्राइस में ये गाड़ी आ जाएंगे। ये सिर्फ प्राइसिंग जो मैं आपको तोड़ के दे रहा हूँ वो रक्षाबंधन स्पेशल के लिए दे रहा हूँ। 7.5 लाख की इसकी प्राइसिंग थी, 25,000 डिस्काउंट था। अब 7.5 लाख की प्राइसिंग है, 25,000 डिस्काउंट करके 7 लाख में गाड़ी दे रहा हूँ। ये तो 7 लाख रुपए में होंडा अमेज लेके जा सकते हैं, 19 का मॉडल, माइलेज किंग भी बोलते थे क्योंकि माइलेज भी इसकी बहुत अच्छी है। अभी आते हैं यहाँ पे, दो ब्यूटीज खड़ी अपने पास, दोनों रहने वाले हुंडई की i20। अभी जानते पहले ये डायमंड शेप वाली अपनी फ्लूडिक, ये 2014 का मॉडल है, 50,000 किलोमीटर खाली चला है, सिंगल ओनर प्योर पेट्रोल में गाड़ी है। बेस्ट कंडीशन लेदर सीट वगैरह के साथ, चारों टायर ब्रांड न्यू है गाड़ी के अंदर, और फीचर्स वगैरह में बात करूँ तो इसमें एयरबैग भी है और ब्लूटूथ वगैरह सब मिल जाएगा। मे भी हो सकता है फीचर्स बोलने में कुछ गलती भी हो सके क्योंकि इतनी गाड़ी का फीचर्स याद नहीं रहता। फीचर है भाई, फीचर है ना भाई साहब, आपको इस गाड़ी में मिल जाती है, लोडेड गाड़ी है, i20 2014 की, डील बताओ कितनी देनी है? 25,000 का डिस्काउंट है इस गाड़ी पे, 4,25,000 की इसकी प्राइसिंग है, 4 लाख, 4 लाख में गाड़ी आएगा। अगर आपका आउटरेट पेमेंट है तो उसमें भी एक रिस्पेक्ट आपके लिए रख लिया जाएगा। ओके, एक और अभी अपनी रेड कलर जो कि ओल्ड शेप वाली है अपनी, ये 2012 की डीजल गाड़ी है। जैसा कि जानते हो आप लोग कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसा कंक्लूजन डाले हैं, लोगों को मिसगाइड किया है कि डीजल गाड़ी बंद हो जाएगी। मालिक जिस दिन डीजल गाड़ी बंद हो जाएगी ना, उस दिन GSM मोटर पहले आके बोलेगा कि डीजल गाड़ी बंद हो गई है। ये एक मिथ है, रूमर है, मीडिया की हाइलाइट्स है जो कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मार्केट में एक फैला रहे। GSM मोटर जब भी वर्क कर रहा है आपको एक जेन्युइन गाइडेंस के साथ करता है। लोग बोलते हैं ना 2000, अरे क्या करोगे 2027 में तो डीजल गाड़ी बंद हो जाएगी। अभी जो बना के बेच रहे वो कंपनी तो पागल है ही नहीं कि 4 साल के अंदर उसकी गाड़ी स्क्रैप हो जाए। बड़ा सिंपल है। हाँ। ये एक मिथ कहाँ से रेडी हुआ था वो पहले मैं लोगों को थोड़ा बता दूं। ये मिथ चालू हुआ था मारुति से। हाँ। जब पहले थोड़ी मैं उसकी हिस्ट्री में चले जाता हूँ, थोड़ा सा उसके फ्लैशबैक में जाता हूँ। मारुति का तो खुद का पेट्रोल इंजन भी नहीं है राहुल भाई, तो डीजल कहाँ से उसका होगा। मारुति का जो पेट्रोल इंजन है उसको भी सुजुकी प्रोवाइड करती है। मारुति इज कोलैबोरेटेड विद द सुजुकी, तो मारुति के जितने इंजन है पेट्रोल के वो सुजुकी प्रोवाइड करती है, और मारुति के जितने भी डीजल इंजन थे वो फिएट प्रोवाइड करते थे। एकदम सही बोला आपने राहुल भाई, फिएट इंडिया से चले गया है, तो आप मारुति को डीजल इंजन देगा कौन? इसके लिए मारुति ने अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या किया कि गवर्नमेंट ने डीजल गाड़ी बंद कर रहा है इस चीज का प्रमोशन चालू किया। सिर्फ मारुति में ही डीजल इंजन क्यों बंद हुआ, जरा सोचने वाली बात है। महिंद्रा तो आज भी डीजल दे रहा है, ह्यूंडई आज भी डीजल दे रहा है, टोयोटा आज भी डीजल इंजन दे रहा है, होंडा आज भी डीजल इंजन दे रहा है, फॉक्सवैगन आज भी डीजल इंजन दे रहा है। तो ये मिथ कहाँ कनेक्ट हो रहा है? मारुति का खुलासा हो गया भैया इधर। नहीं, जो सच है सच सुनो, बाकी आपको झूठ में रहना और उसके बाद भी शक करना, तो मैंने कहा ना यहाँ खाली शक का इलाज नहीं है, बाकी सारे आपके डाउट का इलाज यहाँ मिलेगा। इस बात पे पॉइंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हवे पे बात कर रही है, इस बात में पॉइंट है। देखो टोयोटा इनोवा क्रिस्टा वगैरह बना रही है, हर एक बड़ी बड़ी जो ब्रांड है बड़ी बड़ी गाड़ियां बना रहे हैं, सब में कौन सा इंजन रहता है? सब में डीजल इंजन रहता है। वो आज तक बंद नहीं हुआ, नहीं बंद होगी वो,
बात सही है कि इंडिया इलेक्ट्रिक कारों पे बहुत ज्यादा वर्किंग कर रही है, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू हो जाता है वो, एब्सोल्युटली ट्रू, एकदम सौ आने सच है। मगर मैं बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कितना ज्यादा पावरफुल लेवल पे अवेलेबल है मुझे बताइए। पनवेल के आगे आप चले जाओ तो आज भी वहाँ लोड शेडिंग चालू है, गाड़ी बंद होगी तो क्या करोगे भाई, छह छह घंटे के लिए आज भी वहाँ लाइट नहीं होती है। दूसरी चीज, गांव खेड़े में चले जाओ तो वहाँ पे लाइट की फैसिलिटी आज भी नहीं अवेलेबल है, टीवी देखते देखते टीवी के फ्यूज उड़ जाते हैं, आती भी नहीं है, बारिश तक लाइट नहीं होती, बारिश हुआ तो भैया महीनों भर तक ना लाइट भूल जाओ, ऐसे गांव के हालत रहते हैं, बहुत वो है। तो इंडिया को इलेक्ट्रिक कार को सैचुरेट करने के लिए बहुत वक्त लगेगा, शायद एक दो पीढ़ी निकल जाए हमारी, उसके लिए आज डरने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जाम्पल उसके लिए मैं आपको कॉन्फिडेंस के लिए दे रहा हूँ, सीएनजी, दोस्तों सीएनजी आप बहुत समझदार हो, मार्केट में कब आई थी, मुझे जहाँ तक याद है कि वो 2003 में उसको कंपलसरी कर दिया गया था, ठीक है। आज भी सोचो, आज हम 2023 में खड़े हैं, 2003 और 2023 ऑलमोस्ट 20 साल हो गए, ये 20 सालों में पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ सीएनजी पंप अवेलेबल है आप मुझे लिख के दो, आपके एरिया में कितने सीएनजी पंप है? मेरे एरिया, मेरे बोलते ना गाँव में तो है भी नहीं भाई, कहीं पे भी नहीं है, नहीं है सीएनजी, सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही सीएनजी अवेलेबल है। मेट्रोपॉलिटन सिटी को अगर आप क्रॉस करते हो तो इक्का दुक्का मिलेगा, वो भी ना के बराबर, और मिल भी रहा है, उसमें अगर आप रिस्क लोगे तो फिर आप पछताओगे क्योंकि है नहीं, फिर आपको कैसा पता चलेगा, मिल भी रहा है तो पेट्रोल के रेट से भी बहुत ज्यादा मिल रहा है। आप नासिक में जाओ लेने तो 115 रुपए केजी मिल रहा है वहां पे, आप सोचो। तो मैं यही चीज को आपको इन्फॉर्मेशन देना था कि डीजल गाड़ी बंद नहीं हुई है, ना होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि पूरी सब्सिडरी जो अपने इंडिया का चालू है, बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह जो चल रहे हैं वो डीजल पे चल रहे हैं, तो डीजल को इतना जल्दी गवर्नमेंट बंद नहीं करेगा, एक दो पीढ़ी निकलेगी इसके लिए। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, आपके हित में था नहीं था? एक ही चीज कहूंगा दोस्तों कि मुझे गाड़ी लेनी है, मैं अपने दोस्तों को जाके पूछू जिसको खुद नॉलेज नहीं है, फिर सोसाइटी को जाके पूछू जिसको खुद नॉलेज नहीं है, आप अपना कवर खुद खोद रहे हो, ये 100% तय है। ना वो कभी गाड़ी लेने देगा, ना आप कभी गाड़ी ले पाओगे, और कभी गलती से गाड़ी ले लिया, गलत गाड़ी, तो एक ही चीज बोलेगा, महंगा लिया, सस्ते में वो कभी दिलाएगा भी नहीं। तो ये चीजें इसके लिए बोलता, अगर खुद कुछ ले रहे हो ना भाई, रिसर्च करो खुद से, एक्सपर्ट से पूछो, सलाह लो, रहोगे। क्योंकि कमेंट सेक्शन में आज भी करते कि भाई 2027 के बाद डीजल गाड़ी बंद, अगर बोल रहे हो ना ऐसा, लोग वीडियो ना रिवर्स करके देख लो क्या आपने बताया, सारी चीज और चीज रह गया है, 4% बैटरी बची है, बहुत जल्दी खत्म कर, जरूर हो जाएगा। जो ग्रीन टैक्स के बारे में कस्टमर बोल रहे हैं ना, कि 2008 का मॉडल है, अब ग्रीन टैक्स, अब गाड़ी स्क्रैप हो जाएगी, मालिक जितनी गाड़ी स्क्रैप करने वाली होगी ना सब जीएसएम मोटर में आके बेच दो, बेच दो, बंगार का भाव जीएसएम मोटर दे देगा आपको, ठीक है। या तो अगर ग्रीन टैक्स करना है तो भी आ जाओ, जीएसएम मोटर आपको ग्रीन टैक्स करके दे देगा। दो ऑप्शन दिए, जो बेटर लगे वो आके ले चुन लो आप, वो भी फायदे का डील आपका। i20 डीजल बच गई थी, इसके बारे में अपन इतना डिस्क्रिप्शन दिए, प्राइसिंग बता दो इसकी। इसकी 12 का मॉडल है, डीजल है, गाड़ी को 40-50 हजार किलो, 60 हजार किलोमीटर चली है, और एवरेज 18-22 का एवरेज मिल जाता है, 2000 rpm मेंटेन करके चलो। प्राइसिंग की बात करो तो 4,25,000 की प्राइसिंग है, 35,000 का डिस्काउंट दे रहा हूँ इस पे, 3,90,000 में गाड़ी है। कैश में अगर डील होगा तो थोड़ा मान सम्मान और भी दे दूंगा। ओके, तो 3,95,000 में डीजल अब लेके जा सकते हो, कहाँ से? जीएसएम मोटर, जो कि डिलीवरिंग ड्रीम दुनिया के लिए सेकंड है भैया, अपने लिए फर्स्ट है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज यहाँ पे लिखे, और कॉन्टेक्ट नंबर आपको जाना, कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे फ्लैश होते रहेंगे, फटाफट से डायल करो या फिर जीएसएम मोटर सीधा विजिट कर लो। ये रहने वाला अपना वासी स्टेशन के जस्ट बगल में अपना एक रहने वाला हावरे फैंटेसी बिजनेस पार्क, उसी के बेसमेंट में रहने वाला, जो कि मैंने 3-4 वीडियो में बता रखा, अगर आपको नहीं समझ आता भाई जाओ लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में देखो, और आराम से लोकेट करते हुए यहाँ पे आप पहुंच सकते हो। तो चलते नहीं पहुंचना है तो भी यार जीएसएम मोटर गूगल पे डालो, डायरेक्ट नेविगेशन आता है। यहाँ पे अगर नहीं हो रहा ना, आपको दिक्कत हो रहा है ना शोरूम में, तो इनके ओल्ड वाले शोरूम में चले जाना, जहाँ पे सब रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, वहाँ पे आपको लेके आएंगे यहाँ पे आराम से भाई, और गाड़ी आपको दिखवाएंगे और आपको गाड़ी की यहाँ पे डिलीवरी देंगे, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। फिर चलते सुरेश भाई, थैंक यू सो मच, और भी बात करते हैं, बट ना सही बता रहा, मोबाइल का चार्जिंग सिर्फ 3% पे आ चुका है, हमारे प्रेम भाई उधर से इशारा दे रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राहुल भाई कि जो कंस्ट्रक्शन का अपना साइट चालू है, अगला वीडियो हम वो भी बना के फिर वीडियो दिखाएंगे, ताकि लोगों को, और कमेंट अगर आपको और भी रिक्वायरमेंट है ना उसके बारे में थोड़ा और भी कुछ ऐड करके मैं बताऊं, तो कमेंट सेक्शन में आप राय लिख देना, कुछ उपाय दे देना, ताकि बोलो ना फर्स्ट टाइम उसमें वीडियो बनाऊंगा, तो अगर आपकी एक्सपर्ट थोड़ी सलाह मिल जाए तो मेरे की भी बोलते ना आसानी हो जाएगी वीडियो बनाने में, बाकी सुरेश भाई तो है। तो चलते मिलते आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू सो मच सुरेश भाई, मिलते हैं, और बस आपका जो कंस्ट्रक्शन है गाड़ी का जो है भाई एकदम बिजनेस चलते रहे, और हमारे भाइयों को ड्रीम पूरी होते रहे। तब तक लिए टिल देन बाबा, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।